हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्वांट्रा बैंड पुलिस। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस गेम में मैं बना हूँ एक पुलिस ऑफिसर और मेरी ड्यूटी लगी है एक बहुत ही डेंजरस बॉर्डर चेक पॉइंट पे, जहाँ पे मेरा काम होता है हमारे कंट्री में इंटर होने वाली व्हीकल्स की चेकिंग करना, उन लोगों के आईडी और पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करना, और जो लोग इनलीगल कॉन्ट्रैबैंड के साथ पकड़े जाते हैं उन्हें पकड़ के प्रिजन में डालना। और इसके साथ साथ हमें इतर बहुत सारे काम मिलते हैं, जैसे कि कोई क्रिमिनल केस सॉल्व करना, जो कि हमने एक एपिसोड में क्रिमिनल केस भी सॉल्व किया था, वो भी मर्डर मिस्ट्री। तो अगर लास्ट एपिसोड की बात करें तो लास्ट एपिसोड में यहाँ पर हमने हमारे होम को अपग्रेड किया था, मतलब यहाँ पर एक कंटेनर था जिसको हमने अपग्रेड करके अभी एक पत्रे के घर में तब्दील कर दिया है। और आप अंदर देख ही सकते हो कि यहाँ पर एक बेड है और इधर बहुत ही अच्छा है। और ये देखो भाई, इतना पैसे का अपग्रेड करने के बाद भी ऊपर प्लास्टर नहीं है उस पर। तो चलो, और हमने एक प्रिजनर गार्ड भी अपॉइंट किया था जो कि बैठता है हमारे प्रिजन के बाहर, क्योंकि उसके पहले वाले एपिसोड में हमारे प्रिजन से हमारे जो हमने कैदी अरेस्ट करके रखे थे, जो हमने क्रिमिनल्स अरेस्ट करके रखे थे, वो सारे के सारे यहाँ से भाग गए थे भाई। तो हमने यहाँ पर ये प्रिजन गार्ड को अरेस्ट कर दिया है, जिसका नाम है कॉरपोरल। बहुत बढ़िया नाम है वैसे, जाने दो। तो इसको हमने यहाँ पर बैठा दिया है ताकि ये यहाँ पर इन पर नजर रखे और ये भाग ना सके। इनके भागने के बाद हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका था। तो अभी हमारे पास है $326। तो इस बार हम एक स्नाइपर भी अपॉइंट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे ना कभी भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कभी भी जिस व्हीकल की हम चेकिंग कर रहे होते हैं व्हीकल्स भी भागने लग जाती है। तो अगर हमने स्नाइपर अपॉइंट कर दिया तो हमारी ये दिक्कत कम हो सकती है। तो चलो, हमारे पास है अभी $236। तो ये स्नाइपर शायद से हमें अभी अपॉइंट कर देना चाहिए, ट्राई करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा पैसा और कमा लेते हैं, क्योंकि हमें अभी गन भी हमारी अपडेट करनी है, क्योंकि हमारे पास एक पिस्तौल है जिससे कि भाई जब टेररिस्ट अटैक होता है तो ठीक से निशाना तक नहीं लगता और हमें बहुत ही ज़्यादा मुँह की खानी पड़ती है। वैसे हम तो हरा देते हैं टेररिस्ट को, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस बार हम देखो, वो स्नाइपर जो अपॉइंट करेंगे हम, वो रहेगा वहाँ पर ऊपर खड़ा, यहाँ से वो निशाना लगाएगा जो भी भागने की कोशिश करेगा उस पर, और जो भी टेररिस्ट अटैक होगा उस पर। तो आज हमारे पास मगलर की लिस्ट क्या है एक बार चेक कर लेते। तो जिसकी व्हीकल रेड होगी उससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर चेकिंग करना है, और जिसकी जिस ड्राइवर की एज होगी 41, उसे भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्मगलर की थोड़ी सी डिटेल मिल चुकी है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना पहले स्नाइपर अपॉइंट कर देते हैं यहाँ पर। तो किधर है हमारा स्नाइपर? हमारे पास अभी थोड़े से पैसे है तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे बॉर्डर पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस बॉर्डर है। तो भाई, हमने यहाँ पर स्नाइपर तो अपॉइंट कर दिया, किधर है हमारा स्नाइपर? एक बार जाके देख लेते हैं हमारे स्नाइपर को, किधर है भाई? ऊपर खड़ा है। ओ, ये रहा यहाँ पर हमारा स्नाइपर। तो चलो, स्नाइपर अपॉइंट कर दिया, अभी हम करेंगे हमारी थोड़े से पैसे कमा कर हम करेंगे हमारे पिस्तौल को अपग्रेड करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया वाली गन लेंगे। तो लीवर को करते हैं डाउन और करते हैं हमारी व्हीकल्स की चेकिंग शुरू। तो कम ऑन सर, जल्दी आ जाओ। हेलो सर, वेलकम टू अकेरिस्तान। हेलो कॉमरेड, कॉमरेड, ओ ओके, हेलो हेलो हेलो, ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग आउट। ओके सर, चलो चलो, अपना पासपोर्ट दे दो मुझे। पहले हम इनका पासपोर्ट ले लेंगे इनसे। ओके, तो हमने इनका पासपोर्ट तो ले लिया, उसे चेकिंग भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो, यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो बाद में चेक करेंगे, लेकिन पहले हम इनका नाम चेक करेंगे। नाम तो मैच हो गया, एक्सपायरी डेट चेक करेंगे, इनकी एक्सपायरी डेट भी बराबर है, पासपोर्ट नंबर चेक करेंगे, पासपोर्ट नंबर भी बराबर है भाई इनका मतलब, और एक बार फोटो भी चेक कर लेते। इनकी ऐसी वाली बियर्ड है, ऊपर बाल है, हो बराबर है, इनका फोटो भी बराबर है, वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं है इनके यहाँ पर, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है भाई व्हीकल का। अरे अरे अरे, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, आगे पीछे है क्या? ओह, पीछे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन YVR 4291 HZ, वो रजिस्ट्रेशन नंबर तो बराबर है, लेकिन बोगुलसाल BOGSLAV UMITEN KO, ओके, इनका नाम भी बराबर है, लेकिन ये किस साइट पे रजिस्ट्रेशन नंबर है यार इनका? तो क्या करना चाहिए हमें अभी? रजिस्ट्रेशन नंबर, चलो एक बार वेट भी चेक कर लेते हैं इनका व्हीकल्स का, हमें वेट भी चेक करना होता है। गन अंदर रख ले बेटे, अगर लग गई ना उसको, जितना पैसा बचा है तेरा $76, वो भी नहीं बचेगा। तो चलो, इनका वेट है 1030 300 kg, और इनके मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है
1520, तो इनका वेट भी बराबर है। वैसे तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन चलो हम हमारी यूवी लाइट ऑन करेंगे। ये देखो जो यूवी लाइट है ना, इससे क्या होता है, अगर किसी ने कहीं पर कॉन्ट्राबैंड छुपा रखा होगा तो वहां पे हमें एक स्नेक का साइन दिखेगा। तो यहाँ पर तो स्नेक का साइन नहीं दिख रहा है, अंदर क्या है इसके, कुछ भी नहीं है। ऊपर भी स्नेक का साइन नहीं है, इधर वाली सीट पे भी हमें स्नेक का साइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो इनका कार्गो को हम निकालते हैं बाहर, अभी पूरा का पूरा कार्गो बाहर निकाल अरे लेंगे, क्योंकि हमें पीछे दोस्तों, भी अच्छी तरीके से चेक करना है कि क्या है इनके पास। कुछ भी नहीं है। ओ, दो मुर्गियां भी है भाई के पास, तो इनकी मुर्गियों को भी बाहर निकाल। ओ, ये क्या हुआ अभी? अरे यार, ये बॉर्डर अटैक किसने अटैक किया अभी फिर से? हो, चलो जल्दी, ये क्या यहाँ पर अटैक हो गया भाई फिर से? चलो चलो चल, जल्दी गन निकालो अपनी, हमारी फोर्स रेडी है, रेडी है, रेडी है, हमारी फोर्स रेडी हो चुकी है। यहाँ पर जल्दी से गन निकालते और शुरू करते हैं हमारा अटैक। अरे किधर है भाई? अरे हमें इस पिस्तौल को यहाँ पे अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था मैं, अगर थोड़ी सी व्हीकल्स की चेकिंग हो जाती, थोड़ा सा डॉलर मिल जाता तो यहाँ पर हमारी पिस्तौल रहती अभी हमारे पास, और हमें निशाना लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो इसको हम गया गया डेड हो गया, ये यहाँ से इसको लगाएंगे यहाँ से। ओ गया गया, और एक आगे जाके थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या गया गया गया, ये भी गया, ये भी गया। ओ, ये पिस्तौल तो बहुत ही बढ़िया निकली। अरे नहीं, ये बच गया, गया नहीं 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 भागो 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 भागो। अरे बॉम्ब डाल दिया इसने, बच गए बच गए बच गए बच गए, बॉम्ब से तो बच गए, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा यहाँ पर? गया शायद से। अभी अभी हमें यहाँ पर चुप जाना चाहिए थोड़ी देर, ताकि जो पास आए हमारे उसे हम यहाँ से मार सके, क्योंकि पिस्तौल का ओ अभी 54 बचे हैं अभी भाई, अभी तो बहुत ही ज़्यादा बचे हैं। हमारे कितने बचे? 1 2 3 4। ओ, हमारे अभी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। गया गया, यहाँ पे पास से बहुत ही बढ़िया निशाना लग रहा है। गया, और कौन बचा है? ओ ये देखो यहाँ पर, नहीं 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 यहाँ से मारो मारो इनको, मारो इसको, मारो इसको। गया गया, अरे हमारे ओ स्नाइपर बचा है सिर्फ हमारा, सारे प्लेयर मर चुके हैं हमारे, सारे के सारे हमारे ऑफिसर मर चुके हैं अभी, क्या करें अभी? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं बहुत बुरा हुआ। ओ ये बचा है इधर वाला एक तो, अरे नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, इधर इधर चुपके, थोड़ा सा इधर से चुपके, हम उन पे अभी फायर करने वाले, ये सब बाहर निकल के नहीं करेंगे आप, मारो। हाँ गया 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 गया, ओके ओके इसको, गया गया गया, ये भी गया। ओके ओके, अभी 7 पीपल बचे हैं यहाँ पर, 7 टेररिस्ट। किधर हो आप? किधर छिपके बैठे हो? बाहर निकलो जल्दी इसको तो। अरे नहीं, हमारी बुलेट खत्म होगी यहाँ पर तो। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। एक मिनट, यहाँ पर इनकी बुलेट ले सकते हैं क्या? नहीं, इनकी बुलेट तो नहीं ले पा रहे हम। चलो चलो खत्म करो जल्दी, हमारे प्लेयर तो जिंदा है, वो शायद कुछ ना कुछ कर दे अभी, इस बार हम जीत जाए। उनके सिर्फ 4 ही प्लेयर बचे हैं अभी, चारों को मारो जल्दी, अब मेरी बुलेट खत्म हो गई यार, बहुत बुरा हुआ यहाँ पर। किधर है किधर है? मारो उनको मारो, यस यस यस, अरे चला गया स्नाइपर। अरे हमारा स्नाइपर अभी भी खड़ा है वही फील्ड में। ओके स्नाइपर, अच्छा हुआ हमने स्नाइपर को वहीं पे पहले से प्लेस कर दिया, नहीं तो। अरे नहीं यार, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे पास तो। इसके गन, इसकी गन किधर? अरे यार हम गन भी नहीं उठा पा रहे किसी की। ओ 3, 2 बचे अभी सिर्फ, 2 बचे। ओ स्नाइपर अभी भी हमारा स्नाइपर तो बहुत ही काम की चीज है। और ये कहाँ पर आ गया भाई यहाँ पर? इसको इसको ना मैं एक ही झटका देने वाला हूँ अभी, इससे किधर गया है? ओ अकेला बचा है शायद। ओ वो तो बहुत ही दूर है, अकेला है उसको। ओ स्नाइपर, अरे स्नाइपर भी चला गया शायद हमारा। और ये किधर किधर फायरिंग कर रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, ये किधर है? अकेला बचा है। अरे वो बहुत ही ज्यादा दूर है, उसे इधर आना चाहिए जल्दी से। इधर आ जा बेटे तू, इधर आ जा। ओ लेकिन उस पर फायरिंग कौन कर रहा है? अरे ओ उसको किसने मारा? शायद से हमारा स्नाइपर अभी भी वहां पर वो खड़ा था। और भाई हमें बॉर्डर पोस्ट की मिल चुके हैं सीधे $800। वेल डन, यू कैन योर फीट। ओ क्या बोला था हमारे कॉमरेड ने, तो बहुत बढ़िया भाई। हमारे किधर है हमारा स्नाइपर? अरे नहीं यार, क्या हुआ? किधर है उनकी लाशें? किधर है?
इनकी लाशें गायब हो गई यहां से। वो देखो हमारा स्नाइपर वहां पे खड़ा है। ओ वाह वाह वाह, स्नाइपर तो बहुत ही बड़ी काम की चीज निकली यार। तो चलो बुलाते हैं हमारी दूसरी व्हीकल। और हमारे पास हमें तो $800 मिले थे, फिर किधर गए? हमारे पास सिर्फ अभी $476 बचे। शायद से उन्होंने $400 काट लिए किसी तो चीज के, तो जाने दो। तो चलो जल्दी से चेकिंग करते हैं। यस सर, बाहर निकलो आप। यस सर, यस सर। चलो सर की पहले हम पासपोर्ट ले लेते हैं सर का। चलो सर पासपोर्ट देना। ये रहा रिव्यू डॉक्यूमेंट। यस सर, दो जल्दी। अरे दे दो दे दो दे दो। अरे इधर दो, हाथ में दो ना। ओके, तो हमें पासपोर्ट तो मिल चुका है। यूजुअल गवर्नमेंट ड्यूटी ड्यूटी फॉर शो योर यू द स्ट्रेटेस्ट अग्रिस्तान एंड लाइक ऑन द डेली बेसिस। ओके, तो इनका पासपोर्ट हम यहाँ पर वेरिफिकेशन करने वाले हैं अभी। तो इनका नाम है MALAK मलक, POLAT पोलट। ओके, इनका नाम तो बराबर है। इनका पासपोर्ट नंबर है L127L127QY0M। ओके, पासपोर्ट नंबर भी बराबर है। इनकी एक्सपायरी चेक कर लेते हैं एक बार। ओ, एक्सपायर तो नहीं हुआ है इनका पासपोर्ट अभी भी। तो इनका पासपोर्ट तो एक्सपायर नहीं हुआ। एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेते, यहाँ अंदर रख दे बेटे अभी। तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है पासपोर्ट का, ये देखो यहाँ पर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है WLG 134। ओ हो, 134134 3Y। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी बराबर है। इनका वेट एक बार चेक कर लेते हैं अभी, मैक्सिमम वेट कैपेसिटी कितनी है इनकी। इनकी वेट कैपेसिटी यहाँ पर कितनी है, कितना आया इनका वेट? 4500 kg। और इनकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है 6230 kg। तो यहाँ पर वेट कैपेसिटी भी बराबर है। तो इनका एज कितनी है अभी? एज नहीं चेक की शायद हमने, इनकी एज भी एक बार चेक कर लेते। 51 है। ये क्यों, कौन है जिसकी 41 है? उस पर हमें ज़्यादा चेकिंग करनी है। तो अभी हमारी UV टॉर्च लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या है इनके पास, कुछ कॉन्ट्राबैंड निकलता है या नहीं। तो हमें यहाँ पर इस लाइट से यहाँ पर स्नेक का साइन देखना होगा। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं नजर आ रहा स्नेक का साइन, यहाँ पर भी नहीं है सीट पे। ये स्नेक का साइन कहीं भी हो सकता है, मतलब टायर में हो सकता है, पेट्रोल के टैंक पर हो सकता है, और बहुत ही ज्यादा जगह पर, जैसे कि इस बम्पर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर भी हो सकता है, लेकिन अंदर जा नहीं पा रहा यार मैं। ओह, शायद से इधर से ओपन होता है ये। तो इधर तो कुछ नहीं है, तो इसे शायद से वो क्लोज कर लेगा। हम इतनी मेहनत नहीं करने वाले, कर लेना अपना अपना क्लोज, क्योंकि ये उस पे हाथ ही नहीं जा रहा मेरा। तो इधर के टायर में इधर तो नहीं है स्नेक का साइन, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। इधर पेट्रोल के टैंक में भी कुछ नहीं है और इधर पीछे बम्पर में भी कुछ नहीं है। और भाई इसके अंदर है क्या, कार्गो में क्या है इसके अंदर? इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कार्गो खाली है शायद इसकी ट्रक। तो चलो, इसके पास कार्गो लिस्ट भी नहीं है वैसे, तो इसे हमें जाने देना चाहिए। इसकी तो कोई गलती निकली नहीं यहाँ पर। तो यस सर, हम आपको जाने देने वाले। तो आप अभी जा सकते हो, अगर हमने कुछ आपको गलती से भेज दिया मतलब। ओके, आकारिस्तान फाइनली। ओके सर, वेलकम टू आकारिस्तान। तो चलो अभी कितना डॉलर मिलता है हमें, या हमने कुछ गलत इंस्पेक्शन किया है, हमारे डॉलर्स माइनस होते, ये तो हमें अभी जल्दी से पता चल जाएगा। लेकिन हमारा स्नाइपर बहुत ही बढ़िया निकला यार, उसने बहुत ही आखिरी सांस तक लड़ा हो। ओ, हमें मिल चुके हैं सीधे $160। और ये रेड व्हीकल है यहाँ पर, रेड व्हीकल, रेड व्हीकल, किधर है रेड व्हीकल? ये देखो यहाँ पर जिसकी रेड व्हीकल है उसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करना है। तो चलो, रेड व्हीकल आ चुकी है, इसको थोड़ी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर चेक करना होगा, क्योंकि इसके पास हमें कुछ भी मिल सकता है। ओके, तो अपना पासपोर्ट देना पहले, तुम्हारा पासवर्ड मैं पहले सीज कर लूंगा। ओके, तो पहले इनकी व्हीकल में जाके चेक करेंगे हम अंदर कि कुछ स्नेक बना हुआ है या नहीं, इनके पास कुछ कॉन्ट्राबैंड है या नहीं। इधर तो नहीं है, पीछे वाली सीट पे भी नहीं है, ऊपर ऊपर भी नहीं है, इस सीटों पे भी नहीं है। भाई इसके पास तो यही नहीं कुछ, इधर वाले टायर में भी नहीं है, इतने छोटे छोटे टायर है इसके, क्या रखेगा वो और उस टायर में? इधर क्या है इसके पास है कि कुछ? इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अरे क्या यार, इसके पास तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, क्या चेक करेंगे हम इसे? अरे नहीं निकला यार इसके पास कुछ, तो क्या करें अभी? पासपोर्ट में अगर कुछ गलती निकले तो ठीक है। ओ, इसके नाम की स्पेलिंग ही गलत है वैसे, तो अच्छा हुआ इसे हम वैसे भी
थोड़ा इग्नोरी मार रहे थे कि इसे जाने नहीं देने वाले। पासपोर्ट नंबर भी चेक कर लेते, मैच हो गया, एक्सपायरी चेक कर लेते, एक्सपायर भी नहीं है इसका। एक बार व्हीकल नंबर भी चेक कर लेते, किधर है रजिस्ट्रेशन नंबर, NKG NKG 8584। अरे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गलत है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी गलत है, इसका फोटो चेक कर लेते। फोटो तो बराबर है इसका, तो ये से इसकी दो चीज़ें यहाँ पर गलत निकल चुकी है। इसके पास कार्गो तो नहीं है कुछ, तो फिर क्या करें, इसे जाने देना चाहिए। तो चलो हम इसे करेंगे रिटर्न, इसे हम अभी रिटर्न करने वाले, इसे करेंगे हम डिनाई। तो चलो हम आपको हमारे कंट्री में नहीं आने दे सकते, रास्ता और शिप यू का आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। अरे तू धमकी क्यों दे रहा है मुझे, किधर है तू, तेरे को ये की गोली मारूंगा ना, ऐसी तू भी मारो क्या गोली, एक ही गोली में तेरे को किधर से इधर। क्या हुआ इस बार, माइनस नहीं जाना चाहिए, सिर्फ डिसीजन तो बराबर लिया है आमिर ने। और यहाँ पे दिस ड्राइवर शुड बी अरेस्टेड। अरे यार मतलब ऐसा था वहां पे कि उस रेड व्हीकल वाले को हमें अरेस्ट ही करना था, मतलब वहां से उसके पास कुछ मिले ना मिले उसे अरेस्ट करना था हमें। अरे मेरे को लगा कुछ मिला तो अरेस्ट करना है। आज हमने जितना कमाया उतना हमने यहाँ वहां पर डाल दिया फिर से। तो चलो अभी आखिरी व्हीकल बची है शायद, इसे भी चेक कर लेते हैं अभी क्या माइनस होगा हमारा, इतना सारा तो माइनस हो गया अभी। आज जितना हमने फाइट करके कमाया, उन टेररिस्ट को मार के कमाया, उतना का उतना हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो चलो सर अंधेरा हो चुका है अभी, आप बाहर निकलो पहले। उसकी रेड व्हीकल थी मतलब उसको अरेस्ट करना ही था, मुझे लगा कि अगर कुछ मिला तो अरेस्ट करना है अच्छे से चेक करके। तो पहले पासपोर्ट देना आप मुझे। ऑफकोर्स सर, तो चलो पहले इनका पासपोर्ट चेक कर लेते हैं जल्दी से। हमजा हमजा डैमिन, इनकी एक्सपायरी चेक कर लेते, पासपोर्ट नंबर चेक कर लेते, इनकी एज चेक कर लेते, 56। वहाँ पर उसकी एज क्या है अभी, उसको अरेस्ट करना है, उसकी एज है 41। ओके तो इसका तो नहीं है, एक बार इसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक, फोटो चेक कर लेते पहले, फोटो तो बराबर है, अभी रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक कर लेते। UTA 2173 तो चलो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो गलत है, ये देखो यहाँ पर है 2172, यहाँ पर है 2173, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, ऐसे भी हम इसको जाने नहीं देने वाले। तो चलो जल्दी से इसका कॉन्ट्राबैंड चेक कर लेते एक बार, कुछ है क्या इसके पास, नहीं है कुछ नहीं है। इधर के टायर में कुछ मिल जा भाई, कुछ मिल जा, थोड़ा बहुत तो मिल जा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इसका कार्गो तो चेक करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमें इसे रिटर्न करना है वैसे भी। इधर तो कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है, तो चलो इसे हमें कुछ करके वेट चेक कर लेते, वेट भी गलत निकल गया तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा। इसकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी कितनी है, 6230 kg। ओके तो इसकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी बराबर है, तो हमें इसे डिनाई करना होगा, क्योंकि इसके पास वाट अ डे। अरे तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है भाई व्हीकल का, क्या पता यार इस बार तो हमने क्या डिसीजन लिया, अभी पता चल जाएगा जल्दी से। चलो सर आप जल्दी निकलो अभी। क्या हुआ आज इतना खराब दिन क्यों जा रहा है हमारा, तो मिल जाओ कुछ ना कुछ मिल जाओ। ओ $90 मिले भाई, सिर्फ $90, और आज हमने बहुत ही ज्यादा लॉस किया है बड़ा, $166। मतलब फाइट के बाद हमने जितने कमाए थे उतने सारे के सारे हमने डाल दिए। अच्छा हुआ हमारा स्नाइपर तो आ गया, बाकी जाने दो कल कमा लेंगे फिर से। तो अभी चल के जाते और जल्दी से सो जाते हमारे नए घर में, हमारी दूसरी नाइट है यहाँ पर सोने की। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो। ओ ये देखो यहाँ पर आ चुका है हमारा क्या क्या माइनस हुआ, और अभी हमारी सेविंग हो चुकी है $336, बहुत ही कम है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ। गुड बाय।